गाइस यार आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। एक तो दिवाली का दिन है और पता नहीं शिनचैन चॉप कहाँ पर गायब है, कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है रसोई में होंगे, तो जल्दी से जाके देखते हैं। अबे यार यहाँ पर भी नहीं है शिनचैन चॉप, कहाँ जा सकते हैं यार, कहीं नीचे तो नहीं। गाइस यार जल्दी से जाके चेक करते हैं, वो रहे। चलो फाइनली मिले तो सही, अब जल्दी से नीचे जाते हैं। अबे कहाँ गए थे तुम दोनों, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे क्यों, ऐसा भी क्या हो गया। हाँ हम दोनों ने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं तो बस तुम दोनों को करने के लिए ढूंढ रहा था। अरे क्यों, आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी नहीं है। अबे हैप्पी बर्थडे नहीं, आज दिवाली है, तुम दोनों को हैप्पी दिवाली। अरे हाँ आपको भी, सेम टू यू। अरे मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली और सबको भी, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। अच्छा ऐसा, चलो कुछ तो अच्छा बोला। अरे हम तो हमेशा ही अच्छा बोलते है, बस आप सुनते नहीं हो। अच्छा ठीक है बाबा। अरे पर काहे की दिवाली, आपने तो हमारे लिए बॉम्ब भी नहीं लाए। अरे बॉम्ब की क्या जरूरत है, मैं उससे भी अच्छी चीज लाया हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, जल्दी से बताओ ना, बॉम्ब से अच्छी और भी क्या चीज हो सकती है। अरे पर नहीं, हमें तो बॉम्ब ही चाहिए था। अरे रुको ना चॉप, देखने तो दो क्या लाए हैं। अरे चॉप मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, तुझे अच्छी लगेगी वो चीज, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं तुमको बताता हूँ। तो अब ये देखो। अरे आप पागल हो गए हो क्या, ये मिसाइल लॉन्चर से किसको उड़ाने वाले हो। अरे थम जा शिनचैन, तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, रुक अभी तुझे पता चलेगा। तो गाइस इनको करके दिखाते हैं, और ये बूम, लग रहा है कि नहीं एकदम फायर क्रैकर जैसा। एक और बार करते हैं गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ये दिखने में। तो क्या बोलते हो, है कि नहीं अच्छी चीज। एक मिनट यार, किसका फोन आ रहा है बीच में। टोनी, हेलो फ्रैंकलिन, हैप्पी दिवाली। अरे हाँ हाँ तुमको भी, साल मुबारक। अब एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्यों क्या हो गया, आज तो दिवाली है इसलिए मैं घर पर ही हूँ, कोई मेहमान मेहमान आ गए तो। अरे तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, एक दिवाली सरप्राइज। क्या बात कर रहे हो, रुको मैं अभी आता हूँ। अरे आप कितने पलटू हो, अभी तक तो ना बोल रहे थे, जैसे ही सरप्राइज का सुना सीधा हाँ बोल दिया। अबे यार सरप्राइज किसको नहीं चाहिए, चलो जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे। गाइस यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे पर उन्होंने बस आपके लिए सरप्राइज बोला था, हमारे लिए नहीं। अरे आ तो जाओ, देखे तो सही रखा क्या है, कुछ अच्छा हुआ तो आपस में बांट लेंगे। अरे ये हुई ना बात, अभी मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो गाइस अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं सीधा टोनी के घर पे, उसने हमारे लिए सरप्राइज रखा है, सॉरी मेरे लिए, वरना बाद में ये लोग बोलेंगे कि आपने हमारा बोला था। अरे आप तो अभी से मतलब ही हो रहे हो, आप क्या हमारे साथ सरप्राइज बांटोगे। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा तो समझा कर चॉप, वैसे तुम दोनों तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। अरे पर आपने भी तो हमें क्या दिया। हाँ ये तो गलत बात है। ओ भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, और अगर कुछ चाहिए ना तो पहले मेरे पैर पड़ो, ये हमारे रिचुअल्स है। अरे जाने दो, अगर आपके पैर पड़ के कुछ मिलेगा तो हमें नहीं पड़ना। गाइस यार क्या बेइज्जती पे बेइज्जती होती है। अरे नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। अच्छा ठीक है चलो हम लोग पहुँच गए, वैसे जल्दी से आ जाओ यार, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, पता नहीं गाइस क्या होगा। जल्दी से टोनी के पास जाते हैं, वो रहा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लग रहा है टोनी को छोड़ के सब लोग दिवाली मनाने गए। अब बताओ टोनी जल्दी से क्या है मेरे लिए। वाह क्या बात है, तुम तो सरप्राइज का सुनकर कुछ जल्दी ही आ गए, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी पहुँच जाओगे। अरे यार छोड़ो ना, तुम बस बताओ कि क्या है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। तुम मेरे पीछे गॉडज़िला देख रहे हो, यही तुम्हारा सरप्राइज है। क्या ये हड्डी का ढांचा, इसका मैं क्या करूंगा। ये हड्डी का ढांचा नहीं है, ये बस दिखने में ऐसा है, तुम इसे एक सूट समझ सकते हो या फिर एक स्किन, तुम इसे एक टाइप का असली का गॉडज़िला ही समझ सकते हो, ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। अरे पर इसका मैं क्या करूंगा, ये सूट अगर पहन के गया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे हाँ ये तो बात अपने एकदम सही बोली, ऐसा गिफ्ट कौन देता है, अच्छा हुआ आपने हमारे लिए सरप्राइज नहीं रखा। टोनी यार ये गलत बात है, पहले मेरी बात तो सुनो, तुम ये सूट पहनो, उसके बाद तुम इसे अपग्रेड भी कर सकते हो, अब वो तुम कैसे करोगे तुम पर है, पैसों से या किसी और तरीके से। ओके ऐसी बात है, तो गाइस यार सबसे पहले तो जाके सूट पहन लेते हैं, और ये मैं चला। भाई साहब गाइस मैं बहुत अजीब सा लग रहा हूँ, सही बताना, एक तो मुंह खुला का खुला, ऊपर से इसमें दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना तुम इसे अपग्रेड कर सकते हो। अच्छा ठीक है शिनचैन चॉप, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, देखता हूँ इसे कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। गाइस यार जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हमें रास्ता ढूंढना होगा कि हम इसे अपग्रेड कैसे करें। फिलहाल तो हम बस हड्डियों का ढांचा है, ना हमारे अंदर मांस है ना स्किन है, कुछ भी नहीं है, ऐसे तो कोई हमें गॉडज़िला समझेगा भी नहीं। ये काफी कमजोर कमजोर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसको पोलियो हो गया है। गाइस हमें इसको ताकतवर बनाना होगा, और मुझे लगता है उसके लिए हमें कुछ तो चाहिए जो हम खा सके। समुद्र में ढूंढते हैं, पानी में खाने के लिए बहुत कुछ होता है, मतलब के सी फूड वगैरह जो गॉडज़िला को पसंद है। जल्दी से जाके देखते हैं क्या मिलता है। अबे यार यहाँ तो बस झाड़ियाँ है, घास फूस तो मैं खा नहीं सकता, भेड़ बकरी थोड़ी बनाऊं, गॉडज़िला हूँ गाइस मैं। क्या मिलेगा यार यहाँ पर, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
ओ एक मिनट, यहाँ पर तो गाइस बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी हमें, छोटी छोटी घुमरी आप लोग देख रहे हो, अब जल्दी जल्दी जाके इन्हें खाते हैं। वाह यार क्या मजा आ रहा है, अब लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ तो जा रहा है। चलो चलो और भी ढूंढनी पड़ेगी, ये रही, जल्दी से इन्हें भी खाते है। गाइस यार अब तो थोड़ा थोड़ा पेट भरने आया है, अब इन सबकी बारी, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है। और ये गाइस मैंने सारी की सारी खा ली, थोड़ी बहुत बाकी है, ये भी गई और ये एक बची है, चलो ये भी निपट गई। मेरा पेट एकदम टाइट हो चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं और खा पाऊंगा, पर लालच, गाइस लालच बुरी बला है, हमें और ज्यादा ताकतवर होना है, तो हम इन्हें भी खा लेंगे। और है क्या यहाँ पर भी है, बहुत सारी है, चलो 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 चलो, ये भी निपट गई। गाइस यार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अब और थोड़ा सा भी खा लिया ना तो मेरा पेट फट जाएगा, मतलब मेरी हड्डियां फट जाएगी। चलो देखते हैं, आप लोग देख रहे हो जो भी मैंने खाया ना सब मेरे हड्डी के अंदर ही चला गया है, क्योंकि पेट तो है नहीं हमारा, मुझे तो लगा था सब आर पार होकर निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखते हैं अभी हम लोग अपग्रेड होते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। वैसे मुझे पहले से थोड़ा ताकतवर फील तो हो रहा है, ट्राई करते हैं, 1, 2 और 3। वाह गाइस हमें अपनी स्किन मिल गई, अब लग रहे हैं ना एकदम हरे भरे गॉडज़िला, पर इतने से काम थोड़ी होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग बस गॉडज़िला बने, मतलब हमें अपनी स्किन मिली है, पर अगर अभी इसके आगे अपग्रेड करना है तो हमें चाहिए होंगे पैसे, उससे हम नई नई स्किन खरीद सकते हैं और नए नए सूट गॉडज़िला के। चलो भाई साहब देखते कैसी पावर्स है अपने अंदर, क्योंकि कुछ तो पावर्स मिली होंगी ना, अपग्रेड के साथ हमेशा कुछ आता है। और एक मिनट बच गई यार, ओ एक मिनट गाइस वो गाड़ी टकराई और हमें पैसे मिले, ये तो बहुत आसान होने वाला है मुझे लगता है, अगर हम गाड़ियों को फोड़ेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। चलो चलो ट्राई करते हैं किसी और गाड़ी को मार के, और ये गई, अबे यार चूक गया मैं, कोई बात नहीं गाइस अब इसकी बारी है, और ये अबे यार मैं चूक रहा हूँ, चलो इस वाली को उठाते हैं, इस बार फेंक के देखता हूँ पैसे मिलते के नहीं, जल्दी जल्दी ये मैं भागा, और ये गई गाइस, इसके बाजू वाली गाड़ी भी फूटी और हमें दोनों के पैसे मिले, आप लोग देख रहे हो अब इसकी बारी, ये उससे थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, अंदर दो जन भी बैठे मुझे दिख रहे हैं। ओ भाई साहब वापस से दो गाड़ियों के पैसे और अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, किसी के $1,000 तो किसी के 2,000 तो किसी के 5, इंसानों से पैसे मिलेंगे या नहीं इनको टपका के देखते हैं। और ये मैंने जंप लगाई और ये गई, अबे यार इसके तो 500 ही मिले, फिर से गाड़ी फोड़ते गाइस, इंसानों से ज्यादा तो गाड़ियां फोड़ने के पैसे मिल रहे हैं। चलो अब यहाँ पर फोड़ते हैं, और ये मैंने इतने ऊपर उठा के गया और बूम, भाई साहब इस बार थोड़े ज्यादा मिले। गाइस यार यहाँ पर गाड़ियां है पर इतनी महंगी महंगी नहीं है, मुझे लगता है हमें शहर में जाना चाहिए, वहाँ पर सब लोग लग्जरी गाड़ियां वापरते हैं। चलो शहर में मैं आ गया हूँ, अब देखते हैं यहाँ पर गाड़ियों के कितने पैसे मिलते हैं। ओ भाई साहब क्या जंप थी, चलो गाइस ट्राई करते हैं, ये पहली गाड़ी ये इतनी महंगी नहीं लग रही, फिर भी हम इसे फोड़ेंगे, पैसा जहाँ से आए बटोर लेना चाहिए, क्यों मौका छोड़े हम। और भाई साहब सही सोचा तो $2,000 ही मिले। अब गाइस यहाँ के इंसानों को फोड़ के देखते हैं, मतलब के टपका के, इसको मैं हवा में लेके गया और ये भी गया। गाइस यार यहाँ पर $1,000 मिले मुझे इंसान के, और इस बस के भी मुझे ज्यादा मिले थे, मानना पड़ेगा उस साइड से तो शहर में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब इस वाले गाड़ी की बारी, और किस पे फोड़ू किस पे फोड़ू, और गाइस बूम, तीन तीन गाड़ियों के पैसे मिल गए हमें, अभी तक तो मेरे पास $50,000 जमा हो चुके हैं। गाइस यार मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, देखो इतने पैसे में भी तो कोई सूट आता ही होगा, तो चलो ट्राई करते हैं 50,000 में कौन सा सूट मिलेगा हमें। बूम गाइस यार हमारा तो कलर ही बदल चुका है, एकदम खतरनाक लग रहे हम लोग, जरा देखे तो सही इसकी पावर कौन सी। ओ हो गाइस हम तो एक फायर गॉडज़िला बन चुके हैं, मुझे तो लगा था खाली हमारा कलर ही लाल हुआ है, अगर हमें गाड़ियां फोड़ने से पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों नहीं गाड़ियां फोड़े। चलो ट्राई करते हैं, पैसे किसको नहीं चाहिए, हमें और भी सूट चाहिए गॉडज़िला के, तो पहले इस फायर ट्रक पर ट्राई करते हैं, पानी के अंदर आग लगा देंगे गाइस हम, जल जा जल जा जल जा, भाई साहब पूरी गाड़ी में आग लग गई। गाइस यार क्या पैसे मिल रहे, फायर से मारने के ज्यादा पैसे मिल रहे हमें, भाई साहब मुझे मजा आ गया। गाइस यार क्या बात है, हमें थोड़ी बहुत और गाड़ियां फोड़नी होगी, क्योंकि किसी के 10,000 मिल रहे हैं तो किसी के 50,000, किसी किसी का तो 1,00,000 मिल रहा है, भाई साहब तो किसी किसी के कम भी मिल रहे हैं गाइस। चलो चलो बस जल्दी जल्दी जलाते हैं, क्या बात है यार ये गाड़ियां सही में ना एकदम गर्म होके सिकुड़ सी गई है। हमें क्या, हमें तो बस पैसा बटोरने से मतलब है गाइस, क्या बोलते हो, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं इंसानों को जलाकर देखे क्या। $1,000, $2,000, $5,000, $3,000 क्या पैसे मिल रहे हैं यार, मजा आ गया यार इनको मार के, अच्छे खासे पैसे जमा हो गए यार, मुझे लगा नहीं था इतने पैसे मिलेंगे हमको। देखो अभी तक तो $3,00,000 जमा हो चुके हैं, और भी गाड़ियां जलाते और भी पैसे जमा करेंगे हम लोग। चलो 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 मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, इन सबको जला दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ने वाला, हम लोग फायर गॉडज़िला यार ये सब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और यहाँ पर भी इंसान गाड़ियां सारी की सारी चीजें जाएंगी मेरे हाथ से, पहले इंसानों को निपटाएंगे लेकिन हम लोग। चलो देखा मैंने क्या किया, अब इस गाड़ी की बारी, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं ना गाइस मैं पागल हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा बावरा वावरा हो गया हूँ, क्योंकि किसी को मारने के पैसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं किसी से वसूली कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारी
गाड़ियां इनको भी जला देंगे, कोई नहीं बचेगा, शहर में एक फायर गॉडज़िला है, संभल के रहो। गाइस यार क्या बात है, 4 लाख तो हो चुके हैं, अब इन सब गाड़ियों को भी मार देते हैं, मतलब फोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है गाइस, ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं ना मैं तो, एक्साइटमेंट में कुछ भी निकल रहा है। गाइस यार चारों बाजू तबाही मच चुकी है और हमारे पास $5 लाख जमा हो गए, जरा देखे तो सही इससे हमें कौन सी स्किन मिलेगी। ओ भाई साहब हम तो पूरे ही नेक्स्ट लेवल पर चले गए, हम लोग एक बड़े गॉडज़िला बन चुके हैं। अगर हमें गाड़ियां फोड़ने से पैसे मिल ही रहे थे तो मैं इस चीज को रोकूंगा नहीं, देखते हैं। एक मिनट गाइस, हमें एक भी रुपया नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कोई गड़बड़ हुई है, मैं एक बार फिर से जाके ट्राई करता हूँ, सारी गाड़ियों को एक साथ निपटाता हूँ। इतनी सारी गाड़ियां उड़ी पर 1 रुपया तक नहीं मिला, अबे यार ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। हेलीकॉप्टर को फोड़ के देखता हूँ और ये गया, इसका भी कुछ नहीं मिला। मांजरा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब मेरी साइज की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो उस चीज की वैल्यू हो रही थी, क्योंकि मैं छोटा होकर सबको मार रहा था, पर बड़े के लिए ये सब करना आसान है, इसलिए शायद मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसी किसी चीज को ढूंढना होगा ना जो मेरे बराबर हो। वैसे एक मिनट गाइस, आप सभी को तो पता ही है मेरा एक मेन दुश्मन है किंग गिदोरा, और अगर मैं बड़ा गॉडज़िला बन चुका हूँ तो उसे पता चली गया होगा और वो मुझे ढूंढते हुए आता ही होगा। नाम लिया और शैतान हाजिर, इतने जल्दी एंट्री हो जाएगी मुझे पता नहीं था। अगर हमने इसको मार दिया तो हमें एक साथ मोटी रकम मिल जाएगी। गॉडज़िला तुमने यहाँ पर आके गलती कर दी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम बहुत दिनों से गायब थे, आज तुम नहीं बचोगे। पहली बात तो मैं गॉडज़िला नहीं, मैं फ्रैंकलिन हूँ। हाँ पर अभी मैं गॉडज़िला बना हूँ और गॉडज़िला का दुश्मन मेरा दुश्मन। तुम जो भी हो बाहर से तो गॉडज़िला ही हो ना, तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से, तुम्हारी तो मैं चटनी बना दूंगा। गाइस यार ये तो बहुत देसी निकला, चटनी वटनी की बात कर रहा है, अबे इतना बड़ा गॉडज़िला इतनी चटनी का करेगा क्या, तुझे मजाक सूझ रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। अरे चिल चिल रे, मजाक कर रहा था। ओ भाई साहब ये तो सीधा अपनी तरफ आ रहा है, पर आ नहीं पाएगा, मैं इसे सबक सिखा दूंगा गाइस, ये ले। छोड़, इतने बड़े गॉडज़िला को उठा के फेंक दिया। गाइस यार गिदोरा पहले से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं तो इसको हल्के में ले रहा था, सोचा कि गॉडज़िला बनाओ तो इसको मार ही दूंगा, पर अब मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा भाग भाग के काम चलाना पड़ेगा। अबे मुंडी उड़ाएगा क्या मेरी, इतनी बड़ी बड़ी लेजर छोड़ रहा है यार, ये तो एटॉमिक ब्रीद है ना। भाई साहब इससे थोड़ा सा बच के रहना होगा, अब ये ले। इसको कुछ हो नहीं रहा है गाइस, हम इसे कैसे हराए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके पास एटॉमिक है तो हमारे पास भी है, दोनों जन मारेंगे एक दूसरे को, पर मैं जल्दी जल्दी मारूंगा, इसको मौका नहीं दूंगा, ये हमारे नीचे साइड है तो ये और भी अच्छी बात है, ये ले। ओ ओ ओ ओ, ओ क्या धक्का मारा है, धक्का मुक्की नहीं करने का, लोकल ट्रेन में क्या, पास आ रहा गाइस, पास आ रहा, ये ले। ओ ओ ओ, इसकी तो मैं ये ले, कब से पंगा ले रहा है फालतू का। गाइस यार क्या बात है, हमने गिदोरा को हरा दिया, मजा ही आ गया यार आज तो, इसको तो मैं जला के पूरा ही काला काला कर दूंगा, अभी वापस कभी नहीं उठ पाएगा मुझे तो नहीं लगता। गाइस यार हमें बहुत सारे पैसे मिल गए, पूरा $1,000,000, इतने पैसे का क्या करूंगा मैं गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, एक और सूट बचा है, हम वो भी खरीदेंगे, और इस बार थोड़ा स्पेशल वाला होने वाला है, गॉडज़िला ही है पर थोड़ा सा अलग है, तो 1, 2, 3 परचेज, एक मेका गॉडज़िला। गाइस यार ये बहुत ज्यादा कूल है, चलो हमने तो अपने सारे अपग्रेड कर लिया, अब आपकी बारी, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, जय हिंद।